जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर फर्स्ट चॉइस के बारे में, काफ़ी आपने वीडियो देखे होंगे फर्स्ट चॉइस के बारे में। जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट चॉइस ये लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए, बिना किसी नॉलेज के, जिनको पता नहीं है कि कौन सी फोर्स का क्या काम है, कौन सी फोर्स में कब प्रमोशन होता है और कौन सी फोर्स किसके लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों जितनी भी पोस्ट है SSC GD के अंदर, आप सभी को पता है कि SSF NIA CISF SSB ITBP असम राइफल CRPF और SSB, ये टोटल, या BSF, ये टोटल 8 पोस्ट की ये वैकेंसी है। इनमें अलग अलग, जैसे NIA में पिछली बार लड़कियों के लिए पोस्ट नहीं आई थी, SSF में, तो कईयों के लिए इस बार आ सकती है NIA में भी। और बहुत सारे लोग जो आपको बोल रहे हैं, मैं भी कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर भी क्या होता है कि बच्चे उस वीडियो को ज़्यादा देखते हैं जिस पे व्यू ज़्यादा होते हैं। दोस्तों व्यू से मतलब नहीं है, जिन लोगों के मिलियंस में फॉलोवर है तो उनको ये जरूरी नहीं है कि उनको हर चीज़ का नॉलेज हो। पशुओं को डॉक्टर को मान लो, जानवरों को डॉक्टर है, उसको इंसानों का नॉलेज नहीं होता है। तो व्यू से मतलब नहीं है, आप क्या करते हो, ज़्यादा बड़े व्यू देख के वीडियो देख लेते हो, उसके हिसाब से अपनी फर्स्ट डोज डाल देते हो और फिर बाद में होता क्या है, जब फाइनल रिजल्ट आने वाला होता है या फाइनल रिजल्ट की जब बारी होती है, तब बोलते हो सर इसमें प्रमोशन कब होता है, फिर हम बोलते हैं 20 साल बाद में इसमें प्रमोशन, इसमें 18 साल बाद में, फिर बोलते हैं सर सबसे जल्दी प्रमोशन किस में होता है। तो हर एक इंसान के लिए, अब मान लो कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, किसी की 10th पास ही है, किसी की 12th पास है, तो जिसकी जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। दोस्तों आपको पता है जितने भी अर्ध सैनिक बल है, इन सब की अलग अलग काबिलियत है, अलग अलग खास बात है इनमें, तो सभी के लिए बेस्ट नहीं है। ठीक है, जो केवल 10th क्लास पास से लगता है उसके लिए वो बोलेगा कि उसको कौन सी, तो उसको वो प्रमोशन वाली लेनी, 10th क्लास पास है, आगे वो पढ़ नहीं पाएगा, उसको भी पता है कि फोर्स में रहकर वो ग्रेजुएशन तो कर पाएगा ही नहीं, कब तक ग्रेजुएशन होगी फोर्स में रहकर, टाइम पे छुट्टियां नहीं मिलेगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगा। अगर कोई 14वीं 15वीं इनमें है, यानी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में है, तो वो और भी ग्रेजुएशन कर पाएगा, लेकिन वो तो नहीं कर पाएगा ना। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उनको कौन सी फोर्स फर्स्ट चॉइस देनी चाहिए, वो देनी चाहिए जिसमें जो प्रमोशन ऑटोमेटिकली प्रमोशन होता है वो जल्दी होता है। तो इनमें से कौन कौन सी फोर्स में जल्दी प्रमोशन होता है, कौन सी 3 टॉप फोर्स है जो आपकी होनी चाहिए, यानी ताकि उनमें प्रमोशन, और आपके हिसाब से आपकी कौन सी होनी चाहिए। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जिनकी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर चल रही है, तो उनके लिए अलग होनी चाहिए, 12th पास किए उनके लिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं उनमें से आपकी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ग्रेजुएशन वालों की एग्जाम दे के लग सकता है, डिपार्टमेंटली एग्जाम सबसे ज्यादा कौन सी फोर्स में आते हैं ये लोगों को पता नहीं है, बस ऐसे हवा में तीर मार रहे हैं और व्यू उनके आते हैं, क्योंकि उनकी फॉलोइंग बड़ी है, नोटिफिकेशन ज्यादा लोगों के पास में जाते हैं तो व्यू तो आएंगे, सीधी सी बात है, आप फिर ज्यादा व्यू वाले वीडियो को देखते हैं। वास्तविकता देखिए, ज्यादा व्यू से मतलब नहीं है, आपको वास्तविक कौन बता रहा है, वास्तविकता क्या, आप भी मेरी बात से एग्री करोगे, ये 100% गारंटी है मेरी। लेकिन साथ में एक चीज और बता दूं दोस्तों, कि हम जिसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए या कौन सी फोर्स आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, वो तो तब मिलेगी ना जब आपके नंबर अच्छे होंगे। नंबर ही अच्छे नहीं होंगे, आप तैयारी नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी। और तैयारी करने के लिए मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि आपके पास में SSC GD की, अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी ओल्ड पेपर और गाइड पेपर, मॉडल पेपरों की बुक होनी चाहिए। ओल्ड पेपर की बुक इसलिए होनी चाहिए ताकि आप देख सको कि इसके पुराने जो पेपर आए थे वो कैसे थे, किस प्रकार के पेपर थे, किस प्रकार का लेवल है इसका, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आता है, वो उन पेपरों को देखोगे तो आपको उसका नॉलेज होगा और उस टाइप के क्वेश्चन करने की आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों ये अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है, SSC GD के लिए स्पेशल तैयार की गई है, इसमें 13-14 मॉडल ओल्ड पेपर है, उसके साथ में 20 मॉडल पेपर आपको मिल जाते हैं और बहुत ही कम रेट में, तो आप आसानी से खरीद सकते हो। अमेजन पे लिंक नीचे या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, और इस बुक को आप खरीद के मतलब आपको पता लगेगा कि कौन सी बुक आपके लिए कितनी बेस्ट है ये, ताकि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तभी तो आपको फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस मिलेगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जितनी ये फोर्स मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप सभी को पता है SSF NIA ये छोटी फोर्सेस है, CRPF BSF ये बड़ी फोर्सेस है, मीडियम में आप अगर देखोगे असम राइफल SSB ये मीडियम फोर्स है, ITBP या CISF तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो बड़ी फोर्सेस का क्या फायदा होता है और छोटी फोर्सेस का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में CRPF BSF या CISF, इन तीनों फोर्स की अगर बात करें, कौन कौन सी, CRPF BSF और CISF में, छोटी फोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, SSF NIA के बारे में, इन तीनों फोर्स की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो एक कॉन्स्टेबल को, यानी एक CTGD को
एनसीजीडी यानी हवलदार जिसको बोलते हैं हेड कांस्टेबल बनने के लिए कम से कम 18 से 20 साल लग जाते हैं, यानी मिनिमम आपको कितने ईयर लग जाएंगे, 18 साल वो फितियत देखते हो ना तीन पत्ती वो लगाने के लिए। तो जो बच्चा 10th क्लास पास से ही, जिनकी फर्स्ट चॉइस ये होती है जो केवल 10th क्लास पास ही है और उनको पता है कि आगे के एजुकेशन वो नहीं कर पाएंगे, अब मुझे बताओ उनकी फर्स्ट चॉइस इन तीनों में से है, तो उनका प्रमोशन कब होगा, 18 साल या 20 साल बाद में, और तब तक वो भी 20 साल बाद में लगभग लोग रिटायरमेंट भी हो जाते हैं, 50% ज्यादा लोग रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, सर्विस टोटल 35 से 37 40 साल की हो जाती है जो सही टाइम पे भर्ती हो जाता है, मतलब 60 साल तक की सर्विस है, लेकिन करता कौन है, 20 साल से ज्यादा बहुत कम, क्योंकि मिनिमम आपको 20 साल करनी होती है, बहुत सारे लोग 20-21 साल की सर्विस जैसे होती है 50% ज्यादा लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी कि आपको प्रमोशन मिलेगा ही नहीं पूरी सर्विस में आप एज ए सिपाही काम करोगे, यानी 18 से 20 साल, ठीक है। तो अब ये किन के लिए फायदेमंद है ये फोर्सेस, तो फायदेमंद उनके लिए है जिनकी ग्रेजुएशन चल रही है, जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, या जो अभी 12th में है, 2 साल अभी लग जाएंगे किसमें, जो अभी 12th पास किया 2 साल अभी भर्ती होने में लग जाएगा, तब तक उनकी सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगी, एक ईयर बचेगी फाइनल ईयर, वो ज्वाइन करके ट्रेनिंग के बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 3 साल बाद में, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 3 साल बाद में ही आप एग्जाम दे सकते हो, उससे पहले तो नहीं दे सकते, 2 साल बाद में आप आरओ का यानी रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम दे सकते हो जिनके साइंस मैथ है, बाकी तो नहीं दे सकते, एसआई का या एससी का यानी हेड कांस्टेबल का ये एग्जाम आप नहीं दे सकते जब तक आपकी 3 साल कंप्लीट नहीं हो जाती। तो दोस्तों, तो वो बंदा, उनके लिए ये फोर्सेस शानदार है, क्यों, क्योंकि इन फोर्सेस में क्या होता है, बड़ी फोर्सेस है, डिपार्टमेंटली वैकेंसी कंटिन्यूटी बनी रहती है, यानी डिपार्टमेंटली जो वैकेंसी आती है वो हर 4th साल 5वें साल में इनकी डिपार्टमेंटली वैकेंसी आ जाती है और अच्छी पोस्ट की आती है, क्योंकि बड़ी फोर्सेस है, सीआरपीएफ एशिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी आर्मर्ड पुलिस फोर्स के रूप में, क्योंकि 3 लाख प्लस इसमें जवान है। अब एसएसबी में या एसएसएफ एनआईए, इनमें तो 10,000-15,000 की पूरी फोर्सेस है, 10-15-20,000 की पूरी फोर्सेस है, तो इनमें डिपार्टमेंटली एग्जाम देने का उतना मौका नहीं मिलता जितना इन बड़ी फोर्सेस में मिलता है, कंपटीशन कम होता है, डिपार्टमेंटली अगर बंदे में दम है तो प्रमोशन ले लेगा इन फोर्सेस में, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, इनमें डिपार्टमेंटली वैकेंसी कोई ना कोई, कभी आरओ की, कभी एससी की, कभी एनसीआरओ, कभी एसआई की, कभी असिस्टेंट कमांडेंट की, ये डिपार्टमेंटली वैकेंसियां कंटिन्यूटी इनमें बनी रहती है, और जो बच्चे पढ़ने वाले थे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, आपको पता है एससी के लिए आप 12th पास होनी चाहिए तो आप प्रमोशन पा सकते हो हेड कांस्टेबल का, यानी आप एक प्रमोशन पाते ही 18 साल प्लस हो जाओगे इन फोर्सेस में, और इनमें वैकेंसी अच्छी अंकों की, मतलब काफ़ी अच्छी बड़ी वैकेंसियां आती है। अब लोग आपको बोलते होंगे सीआरपीएफ बीएसएफ सबसे लास्ट में देना, सीआरपीएफ बीएसएफ, कई लोग आपको बोलेंगे सीआरपीएफ सबसे लास्ट में देना, लेकिन अगर आप में काबिलियत है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप में काबिलियत है, आप फाइट कर सकते हो एग्जाम, तो आप फर्स्ट क्यों नहीं दे सकते, आपको आगे जाके 3-4 साल बाद में आपको एसआई बनने का भी तो मौका मिलेगा। अब बात करते हैं एसएसबी और आईटीबीपी और असम राइफल, दोस्तों असम राइफल उनकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए जिनको आर्मी में जाने का बहुत बड़ा सपना होता है, उनका कहीं ना कहीं वो सपना पूरा होने के लिए, मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि आपको वर्दी आर्मी की सेम टू सेम पहनने को मिलती है, आर्मी के कमांडो द्वारा कमांड होती है और सीडीएस कैंटीन सुविधाएं उसमें मिल जाती है, तो असम राइफल उनकी फर्स्ट चॉइस हो सकती है। साथ में असम राइफल में भी प्रमोशन में लगभग सीआरपीएफ या बीएसएफ इनके लगभग यानी 14-15 साल का समय लग जाता है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल मिलने में, यानी 1-2 साल कम लग जाता है। अब बात करते हैं एसएसबी और आईटीबीपी की। एसएसबी लड़कियों के लिए फर्स्ट चॉइस बहुत बढ़िया मानी जाती है, क्यों, भारत नेपाल के बॉर्डर पे ये ड्यूटी करती है, और भारत नेपाल के रिश्ते आपको पता ही है कि भारत और नेपाल के रिश्ते हमारे देश के साथ कैसे हैं, भारत नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर एसएसबी विशेष रूप से ड्यूटी करती है, तो वो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी फर्स्ट चॉइस है, और लड़कियों के लिए सीआईएसएफ भी अच्छी पोस्ट है, क्यों, क्योंकि फैमिली परमिशन सबसे ज़्यादा होती है, सीआईएसएफ में छुट्टियाँ कम होती है लेकिन क्वार्टर सुविधाएँ या फैमिली साथ में रखने की परमिशन बाकी जितनी फोर्सेस है उनकी बजाय अच्छी मिलती है, तो जो अपने घर में कोई इकलौता बेटा है या कोई इकलौती बेटी है उनके लिए सीआईएसएफ फिट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सीआईएसएफ से उनको क्वार्टर सुविधा यानी 20 साल की सर्विस में 15 साल तक वो फैमिली रखने की लगभग उनको मौका मिल जाता है, बाकी फोर्सेस में 10 साल के आसपास ही मिल पाता है, इसीलिए सीआईएसएफ की छुट्टियां 45 दिन ही है, बाकी फोर्सेस की 75 दिन अभी प्रेजेंट टाइम है, तो वो हो सकती है। एसएसबी लड़कियों के लिए बहुत शानदार पोस्ट हो सकती है, क्यों,
क्योंकि अच्छी ड्यूटी होती है एसएसबी की और भारत नेपाल के बॉर्डर पे ड्यूटी होती है, देश में इलेक्शन ड्यूटी सभी फोर्सेस करती है, तो उनके लिए हो सकती है। उसके बाद करें अगर आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी आपको पता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है, यानी इंडिया और तिब्बत का जो चीन्स के रिगार्डिंग जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर ड्यूटी करती है, बर्फ में भी ड्यूटी करती है, ड्यूटी काफ़ी अच्छी और टफ भी होती है आईटीबीपी की, ठीक है, काफ़ी टफ ड्यूटी होती है, चैलेंजिंग ड्यूटी भी होती है, लेकिन उसमें भी डिपार्टमेंटली एग्जाम होते हैं दोस्तों, और एक सीटीजीडी से प्रमोशन होने में उनमें बाकी फोर्सेस की वजह से थोड़ा सा कम समय लगता है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो जैसे बीएसएफ सीआरपीएफ इनसे थोड़ी सी कम है स्ट्रेंथ, एसएसबी और आईटीबीपी की स्ट्रेंथ बाकी फोर्सेस की बजाय कम है, तो पर सीआरपीएफ उसके बाद में बीएसएफ फिर सीआईएसएफ असम राइफल एसएसबी और आईटीबीपी इस प्रकार से इनकी स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से उनमें थोड़ा सा कम समय लगता है प्रमोशन होने में, जबकि सीआरपीएफ की इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जो प्रमोशन पे है वो हर एक में 10 साल बाद में लग जाता है, चाहे वो आईटीबीपी हो, असम राइफल हो, बीएसएफ हो, कोई सी भी फोर्स हो, उसमें सब में जो प्रमोशन पे होता है हवलदार का अगली पोस्ट का, वो हर 10 साल बाद में लग जाता है, यानी 10 साल सिपाही के बाद में आपका एनसीपीसी जिसको बोलते हैं एक कोर्स होता है, उसके बाद में या एनसीपीसी का जो प्रमोशन पे होता है वो आपका हवलदार का पे मिलने लग जाती है, लेकिन रैंक लगने में इनमें इतना टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों जिनकी अच्छी ग्रेजुएशन कर रखी है या जिनकी अच्छी मतलब उनको लगता है वो एग्जाम फाइट कर लेंगे डिपार्टमेंटली या सीपीओ के, उन्होंने बाहर से एग्जाम दिए हैं लेकिन किसी कारणवश वो रह गए, तो उनका सपना इन फोर्सेस में जाके पूरा हो सकता है, और काफ़ी बड़े स्तर पर इनमें वैकेंसी बड़े आंकड़े में वैकेंसी आती है, तो आपका सपना पूरा हो सकता है। अब बात करते हैं एनआईए और एसएसएफ की। दोस्तों काफ़ी लोग ये बोलते हैं, आपको मैं भी हमेशा ये बोलता हूँ कि आपकी फर्स्ट चॉइस एनआईए और एसएसएफ होनी चाहिए, उसका रीज़न ये छोटी फोर्सेस है, इनके पास में ड्यूटी भी लिमिटेड ड्यूटी है, ज़्यादा काफ़ी बड़ी ड्यूटियाँ नहीं हैं, बाकी फोर्सेस की बजाय इनकी जो ड्यूटी है सिमी ड्यूटी, जैसे एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अभी प्रेजेंट टाइम में आप काफ़ी इसको देख रहे होंगे, ये जैसे क्राइम या जो क्या बोलते हैं उसको नशा संबंधित जो होती है एजेंसी उसके बारे में या किसी केस में रिसर्च करने वाले, सीबीआई की तरह काम करती है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है और रिस्क कम माना जाता है इसमें, इसलिए सजेस्ट करते हैं ज़्यादातर लोग एनआईए या एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये आपको इसलिए सजेस्ट की जाती है क्योंकि इनमें बाकी फोर्सेज की बजाय रिस्क कम होती है, फैमिली सुविधाएँ अच्छी होती है और सिविल की तरह जॉब होती है, बाकी जितनी भी फोर्स के रूप में इनकी जो जॉब होती है वो सिविल ड्रेस में, आपको पता होगा एनआईए वाले कोट पहन लेते हैं ऊपर, या मतलब एक सीबीआई की तरह काम करते हैं, तो मतलब अच्छी जॉब मानी जाती है, रिस्क जान की रिस्क गोली की रिस्क कम मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी फर्स्ट चॉइस है, अब आपको कौन सी फर्स्ट चॉइस करनी है आप खुद सेलेक्ट कर लीजिए, और टॉप फर्स्ट तीन चॉइस कौन सी हो सकती है, एनआईए एसएसएफ, आप उनमें से वो बच्चे दे सकते हैं जिनको जैसे मैंने बता दिया कि इनमें डिपार्टमेंटली एग्जाम सीआरपीएफ बीएसएफ की बजाय कम होते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ सीआरपीएफ बीएसएफ और सीआईएसएफ की बजाय डिपार्टमेंटली एग्जाम इनमें बहुत कम होते हैं, उनमें ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनकी जो जॉब है वो काफ़ी अच्छी जॉब है और फैमिली साथ रखने की सुविधाएं अच्छी मिलती है, आपकी ज़्यादातर सिटी में ड्यूटी होती है, तो उस प्रकार से ये जॉब अच्छी है। अब आपको क्या लगता है कि आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वहाँ पर भी मैं काफ़ी सारे बच्चों को रिप्लाई करूँगा, और जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूँ, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए कमांडो अकेडमी, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत।